हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप बात करते हैं वीवीए के बारे में। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे आपके साथ कि किस तरह से वीवीए प्रोग्रामिंग की कोडिंग की जाती है। और ये मेरा सीरीज है सैम्पल कोड, सिंपल एंड सैम्पल कोड 101। जी हाँ, मैं 101 सैम्पल कोडिंग की वीडियो सीरीज बना रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ताकि सारे वीडियोज आपको यहाँ मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप मेरी सारी रिकॉर्डेड वीडियो इकट्ठा चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मेरा ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप आईओएस एंड एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। साथ में अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव क्लासेस लेना, तो आज रात को ही 9 बजे हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की बैच शुरू कर रहे हैं। तो फटाफट मुझे कॉल कीजिए बैच को ज्वाइन करने के लिए। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। Recording in progress. हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके साथ कि मेरे पास डेटा है। जब भी वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग होती है, तो डेटा को डायनेमिक सेलेक्ट करने की सबसे बड़ी चैलेंजेज होती है। जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि मेरे जो डेटा है, इस डेटा में सबसे लास्ट नंबर रो या सबसे लास्ट नंबर डेटा कौन सा है, ताकि हम लूप वगैरह उसी हिसाब से चला सके। सबसे लास्ट नंबर रो, तो चलिए इसके बताते हैं। तो यहाँ पे सैंपल कोड हमारा 11 है, ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो लास्ट रो पे मैं यहाँ पे लास्ट रो यहाँ जो है यहाँ पे कर्सर लेके जाना चाहता हूँ। तो इसके दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका जो मैं जनरली यूज करता हूँ, वो यूज करता हूँ कि रेंज a65000.xlsup.offset, और ऑफसेट में कर देता हूँ 1row0.select। तो हमने क्या बोला, हमने इसको बोला कि यहां पे ए 65000 पे जाइए, यहां से कंट्रोल के साथ अब ऊपर आइए यहां, और फिर यहां ऊपर आने के बाद एक रो नीचे जाइए। ऑफसेट काम क्या करे, ए जो ऊपर तक जो है यही काम करेगा, इसके नीचे ऑफसेट जो है, ये ऑफसेट जो दिख रहा है यहां पे आएगा, तो ये ऑफसेट वर्क करेगा। एक तरीका यहाँ पर है। अगर दूसरे तरीके की बात करी, जो जनरली आपको जो है इस पे दिखेगा, गूगल वगैरह पे दिखता है, वो क्या है दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ रेंज, रेंज में मैंने लिखा सीट 1.used रेंज डॉट रो, यूज्ड रेंज डॉट रो। यूज रेंज डॉट रो, तो ये इसकी अगर हम MSG बॉक्स के अंदर करें, यहां पर रन करें, तो सॉरी 1 मिनट, रोज करना, और इसको हम ये आर इक्वल टू करते हैं, तो यहां पे इक्वल आर करते हैं। राइट मिसमैच, ये रो तो वन है, अच्छा रोज डॉट काउंट लगा है काउंट। अब क्या मैसेज बॉक्स में आ रहा है, देख 19 आया जी। अब मुझे इसको सेलेक्ट करना है, तो सेल्स, सेल्स में आर कॉमा आर प्लस 1 कीजिए, 19 के बाद अगला 20 कॉमा
और सेल वन कर दीजिए। यहां पे जाना है द डॉट सेलेक्ट, रन कीजिए यहां पे, तो कर्सर देखिए यहां पर कर्सर कहीं भी रहेगा तो कर्सर वहां पे पहुंच जाएगा। रोज की जगह पे अगर मैं यहां पे कॉलम कर दूं तो कॉलम पहुंच जाएगा लास्ट। यूज रे डॉट कॉलम्स में हम कॉलम्स कर दें तो आपका कॉलम्स में पहुंच जाएगा। तो रोन कॉलम्स लास्ट सेल पे, लास्ट कॉलम या लास्ट सेल पे जाने का तरीका यही होता है। अब कॉलम्स की बात कर लेते हैं, कॉलम्स भी बता देता हूं आपको। यहां पे करते हैं तीसरा नंबर। अब मैं यहां पे री यहां पे रो डॉट कॉलम्स डॉट काउंट, काउंट हो गया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, सेल्स, सेल्स में वन रो एंड आर प्लस वन कॉलम डॉट सेलेक्ट। तो सबसे लास्ट वाली कॉलम की अगली कॉलम में, लास्ट वाली ब्लाइंड कॉलम पे पहुंच जाएगा। यहां पर तो रो एंड कॉलम को इस तरह से ले सकते हैं। बाकी एंड ऑफ, एक्सेल ऑफ, एंड वाला भी ए मेथड ज्यादा यूज होता है, बाकी आपके ऊपर है कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मेरा नंबर सेव करना और एक्सेल सीखना आपके हाथ में। थैंक यू।